Now I am going to talk to you about mind supplements. जैसा आत्मा बहन जी ने बताया तो पहले कुछ समय फोर्सेस में सेवा करने का मौका मिला तो हम लोग हठ योग के ऊपर काफ़ी ट्रेनिंग करते थे, रिसर्च करते थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया, लेकिन जब ब्रह्म कुमारीज इंस्टीट्यूशन में मेरे पहले फादर कनेक्शन में आए तो उन्होंने बेंगलोर में बताया कि आप इसका थोड़ा राजयोगा का भी अध्ययन करो। तो जब मैं राजयोगा के लिए गया वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैंने पाया कि ये जो माइंड पावर है, सोल पावर है, सुपर कॉन्शियस माइंड, इन सब की जानकारी तो मैंने सर्टिफिकेट कोर्स में ली नहीं। हाँ, इतना ज़रूर पढ़ा था कि पतंजलि का जो योग है, जो सूत्र है, उसमें राजयोगा की डेफिनेशन जरूर पढ़ी थी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। लेकिन जब भी हम कभी आध्यात्मिक संस्थाओं में जाते थे तो वहाँ यही सुनने को मिलता था कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तो ये कन्फ्यूज़न यहाँ संस्था में आकर के क्लियर हुआ। और गीता पढ़ने का भी काफ़ी शौक था लौकिक में, तो उसमें भी ये बात लिखी हुई थी कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता। तो जब कोर्स किया, 7 डेज का कोर्स, पता चला कि ये तो सोल पावर के अंदर ही माइंड पावर, उसकी फैकल्टीज़, इंटेलेक्ट, संस्कार सभी सोल के अंदर ही हैं। फिर कुछ बुक्स भी पढ़ी माइंड पावर के ऊपर, जोसेफ मर्फी और जितने भी माइंड पावर ट्रेनिंग करने वाले दुनिया में अलग अलग कुछ वेबसाइट से, तो फिर हमने ये स्पोर्ट्स विंग के माध्यम से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट किए। आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ के अंदर भी कई बार जिस काम को हम समझते हैं कि असंभव है, लेकिन कुछ ऐसी अंदर पावर होती है वो आपको संभव करा देती। कई हमारे लाइफ में ऐसे गोल हैं जो हम अचीव नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हम ये काम करें, स्पोर्ट्स में इस लेवल तक जाएं, लेकिन वहाँ तक नहीं जाते, तो इसका क्या कारण? तो जब हमने ये अध्ययन किया तो इसमें पता चला कि उसमें 4 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण कि आप अपना, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस तक आपकी बात को नहीं पहुंचा पा रहा है। दूसरा कारण क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा जो आप चाहते हैं। या फिर तीसरा कारण क्या हो सकता है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, वो उतना उपयोग में नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। और लास्ट इसका कारण है कि वो एक्टिवेट नहीं है, निष्क्रिय है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 6 फीट की हाइट की वॉल हो और मैं आपको कहूँ इसको जंप करके और क्रॉस कर जाओ, तो कितने कर सकते हैं 6 फीट की हाइट? हाथ खड़ा करें। 6 फीट की, 1, 2, 3, 4, मतलब 8 to 9 people, वेरी गुड। अगर यहाँ मैं 6 फीट की हाइट की एक वॉल खड़ी कर दूँ और पीछे कोई पैंथर आ जाए या भालू आ जाए, तो आप में से कितने उस 6 फीट की हाइट को क्रॉस कर जाएंगे? सो व्हाट इज दिस पावर? ये कौन सी पावर है? सबकॉन्शियस माइंड। कितने हमने एग्जाम्पल सुने, रॉजर बैनिस्टर, उससे पहले दुनिया का कोई भी व्यक्ति 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम में तय नहीं कर पा रहा था। यूनान में तो इतनी कोशिश की गई कि जंगली जानवरों को एथलीट्स के पीछे छोड़ा कि उससे डर करके ये इतना तेज दौड़ लें कि ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए। लेकिन जब उन्होंने 1954 में ये रिकॉर्ड ब्रेक किया तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति इतनी तेज दौड़ सकता है।
तो जब उनसे पूछा गया कि आपने ये रिकॉर्ड कैसे ब्रेक किया, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2000 ऑडियंस थे, इन्होंने मीडिया में बताया कि मैंने ये रेस दौड़ने से पहले ग्राउंड में मैं सैकड़ों बार नहीं हजारों बार मैंने ये माइंड में रेस को दौड़ा था, और उसका कारण है कि मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। और इसके एक साल बाद दुनिया के अनेक एथलीट ऐसे थे जो ये सदियों से रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो पा रहा था, उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाया। तो मुझे इससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली इस एग्जाम्पल से, और मैं ज़्यादातर हर अपनी प्रेजेंटेशन में ये एग्जाम्पल ज़रूर देता हूँ। वैसे तो बहुत हैं, विल्मा रुडोल्फ है एक, बिल्कुल उसको अपाहिज थी, न्यूमोनिया हो गया था, अपने बड़ी फैमिली में से 22वां बच्चा थी, बहुत गरीब परिवार से, तो वो भी ऐसे विजुलाइज करती थी कि मुझे ओलंपियन बनना है और इंटरनेशनल एथलीट बनना है। तो 1960 रोम ओलंपिक गेम्स ने उन्होंने 3 मेडल लिए, 100, 200 और रिले। तो जब कई बार हमने देखा है कि आपने देखा होगा कि हाथी को जब बांध देते हैं बचपन में, तो एक छोटी सी चैन से बांधते हैं और वो वहीं घूमता रहता है ऐसे। जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर भी वो छोटी सी चैन से ही वहीं इधर उधर घूमता रहेगा। एक बार तो ऐसा किया गया कि उसको केवल चेयर से बांध दिया, तो वहाँ जब उस व्यक्ति से पूछा जो हाथी के का ऑनर था, तो उन्होंने बताया कि ये बचपन से इसकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है कि मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो हमारी जो माइंड की प्रोग्रामिंग, आप किसी भी कैंप में जाएंगे, कहीं लेक्चर लेने जाएंगे, अभी मैं जयपुर में एक बार गया था तो मैंने कैंपर से पूछा, रेसलर से, भाई आप क्या बनना चाहते हैं? तो एक ने बोला जी मैं DSP बनना चाहता हूँ। फिर एक बॉक्सिंग वाला था, तो किसी को भी ये गोल मन में क्लियर नहीं था कि मुझे बनना क्या है, मेरे माइंड में क्या प्रोग्रामिंग। आप किसी फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो 8, 9, 10 ईयर्स का बच्चा ये बता देगा कि मुझे लाइफ में क्या करना। सो दैट इज़ हाउ वो कुछ लोगों की ऑटोमेटिकली ये माइंड पावर की ट्रेनिंग हो जाती है, और कुछ लोग इस ट्रेनिंग को सीख करके अपने जीवन में इसका फ़ायदा उठा लेते। तो जब यहाँ संस्था से जुड़े और हमें यहाँ इसका लिंक पता चला, तो इसके ऊपर हमने एक चार्ट बनाया। ये विल्मा रुडोल्फ है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता था, और ये चार्ट से आराम से आप कनेक्ट कर सकते हो कि हाउ आवर सुपर माइंड, जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोल, उससे हमारी सोल कैसे कनेक्टेड है, और सोल से एनर्जी आती है माइंड के अंदर, माइंड से ब्रेन में, ब्रेन से बॉडी के अंदर। जितनी भी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग होती हैं उसमें ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि माइंड को बॉडी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग सोनीपत में भी गए, हमारे भीम सिंह जो एथलीट कोच थे, अर्जुन अवार्डी एंड एशियन ओलंपिक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, तो उनके साथ जब हम गए तो उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे कुछ माइंड के बारे में सेशन कराना चाहते हैं, तो वहाँ रशिया का कोई कोच था इसका साइकोलॉजी का, तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर योगेश्वर दत्त ने अलग से कहा कि नहीं मुझे आप थोड़ा सा बताओ, तो उनको हमने आधा घंटा थोड़ा विजुलाइज कराया कि कैसे एशियन चैम्पियनशिप से पहले हम लोग गए वहाँ, कैसे मैंने बहुत अच्छे से कुश्ती लड़ी, और ही वॉज द ओनली रेसलर टू गेट आफ्टर सो मैनी ईयर्स गोल्ड मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो उसने खुद बताया कि मुझे बहुत इसका फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको जो अभी तक मैंने आपको दिखाया है, तो उसमें एक क्लिप दिखाना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि ये कैसे माइंड पावर काम कर रहा है, और इसका वॉल्यूम थोड़ा। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के पहलवान बॉडी बिल्डर्स शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में ब्रह्मा कुमारी संस्थान खेलकूद प्रभाग के मुख्यालय संयोजक पीके जगवीर सिंह ने प्रशिक्षक के रूप में खिलाड़ियों को विजय के लिए शारीरिक मनोबल के साथ आध्यात्मिक मनोबल बढ़ाने के टिप्स दिए।
प्रतियोगिता में भारतीय टीम की तरफ से उनको माइंड पावर ट्रेनर एवं मेडिटेशन एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसके तहत भारतीय बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन ने बीके जगबीर को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। साथ ही टीम के अधिकारियों ने इसे एक बेहतर कदम बताया तथा आगे भी खिलाड़ियों में आध्यात्मिक पावर बढ़ाने पर जोर दिया। माइंड पावर जो है इसको इंक्रीज करने में, क्योंकि जब तक पूरे हिंदुस्तान में अंदर ये इस मैन जो माइंड पावर का जो है वो संबंध नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी आदमियों को काफी जो स्पोर्ट्स है वो कभी राय नहीं हो सकती। इसलिए भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जब तक उनके साथ अटैच नहीं होंगे, जो माइंड पावर है उसको संबंध में नहीं जानेंगे, जहाँ वो ज्ञान जो पूरा नहीं देंगे, तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई अचीवमेंट जो है अच्छी मिले। दिस वॉज मेनली आज फोकस्ड एंड अपलिफ्टेड एंड सपोर्टेड मिस ब्रह्मकुमारी संस्थान टू ऑर्गेनाइज द मेंटल स्ट्रेंथनिंग क्लास। ये बॉडी बिल्डिंग के कोच हैं, चीफ कोच इंडिया के मिस्टर नायर। ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपेरिमेंट रहा हंगरी के अंदर, ये बॉडी बिल्डिंग टीम के साथ, जैसे मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था। तो ये पूरी टीम के साथ 10 दिन हम लोग रहे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। उनके कुछ और भी क्लिप्स हैं जो हमने लिए। फिर हमारे सतपाल पहलवान जी, आपने भी बहुत अच्छा इसके बारे में बताया कि अगर हमें ओलंपिक में मेडल लेने हैं, कामयाबी हासिल करनी है विश्व स्तर पर, तो हमें राजयोगा मेडिटेशन की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये भी हमारे शांतिवन में आए थे, तो ये उस टाइम की क्लिप है, किसी कारण साउंड नहीं आ पा रही है। तो ऐसे ही हमारी सुनीता गोदारा मैडम, 1992 एशियन मैराथन चैंपियन, जो 1992 एशिया में मैराथन गोल्ड मेडल। मैं बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन का स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो इम्पोर्टेंस है, हमें क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मेडिटेशन से मिलेगी, हमें क्या चाहिए, एकाग्रता चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये सब अगर हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इन सबको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ स्किल की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन साथ साथ मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। तो ये जो मैंने कुछ क्लिप्स ली थी वहाँ, तो उनसे उन्होंने सारा क्रेडिट ये बताया कि हम एक महीने पहले जो चैम्पियनशिप थी, एशियन चैम्पियनशिप, उसमें पोजीशन नहीं आ रही, सेकंड पोजीशन भी नहीं आई, और एक महीने के बाद 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। सो इट वॉज़ अ ग्रेट अचीवमेंट बाय द राजयोगा मेडिटेशन। इसका सिंपल सा ये जो चार्ट है, इसमें सारी साइंस समाई हुई है। आप देख रहे हैं कि जो सुप्रीम माइंड है, सुपर पावर है, यहाँ हम शिव बाबा कहते हैं उनको, तो असली जो सोर्स है कनेक्ट करने का, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, वो वहाँ से स्टार्ट होती है। दुनिया में जितने भी गुरु हुए हैं या कोई भी रिलीजियस पीपल हैं, वो सब पॉइंट आउट करते हैं कि भाई ऊपर वाला ही जाने। कभी भी कोई बात हो जाती है, कोई पंडित भी अगर पूजा कर रहा है किसी देवता के सामने, आप जा करके कहोगे कि पंडित जी ये हमारे घर में ये हादसा हो गया, तो वो भी ये नहीं कहेगा कि ये देवता जाने, वो क्या कहेंगे, वो ऊपर वाला जाने। तो इस ऊपर वाले को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम उनको प्यार से बाबा कहते हैं, और जब हम ध्यान करते हैं तो उनसे कनेक्ट करके अपने आप को चार्ज कर लेते हैं। वहाँ से ऊर्जा आती है सोल के अंदर, सोल मतलब सब्जेक्ट ऑफ यूनिक लाइट, और इसके अंदर ये 7 एनर्जीज हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्पिरिचुअलिटी में हम सोल कहते हैं, साइकोलॉजी में इसको क्या कहते हैं, माइंड। साइकोलॉजिस्ट कई बार सोल को नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन आप देखेंगे कि हम ऐसे भी जनरल टॉक में कहते हैं कि ये मेरा शरीर है ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, तो ये मेरा मेरा कहने वाली कौन है,
सोल, सोल पावर, सोल से एनर्जी जाती है माइंड में। हमारी जो बॉडी को सोल बॉडी के द्वारा प्रत्यक्ष होती है, रिवील होती है, और हमारा माइंड ब्रेन के द्वारा रिवील होता है। माइंड के अंदर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इसमें जो कॉन्शियस माइंड है उसको हिंदी में कहते हैं चेतन मन या फिर जागृत मन। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो ये काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड इसको अर्ध जागृत मन या फिर अवचेतन मन। परसेंटेज आप देख रहे हो 90% और 10% पावर का रेशियो। मोस्टली हम पूरी लाइफ में अपने कॉन्शियस माइंड को ही यूज करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सबकॉन्शियस लेवल तक जा करके उन पावर को यूज करके, और जो भी उस लेवल पे गए उन्होंने इतिहास क्रिएट किया अपनी लाइफ में। जाने अनजाने भी वो उस लेवल तक चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर जी के बारे में कहते हैं कि जब भी उनका कोई मैच होता था, उनकी कोई बैटिंग है, तो उससे 2-3 दिन पहले ही यूज टू प्रीफर टू बी इन साइलेंस। तो जब आप साइलेंस में जाते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, दूसरों को दुआएं देते हैं, तो आपकी सबकॉन्शियस पावर एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाती है। इनमें दूसरा रिलेशन है कमांडर और सेना की तरह। आपने देखा ना, जैसे कमांडर अगर कोई आदेश दे दे कि इतने एरिया को नष्ट करना है, तो सेना क्या करेगी? तर्क वितर्क करेगी या नष्ट कर देगी उस एरिया को? तो ऐसे ही जब हम अपने आप को कमांड देते हैं कि इस बार तो जीतना बड़ा मुश्किल है, सामने वाली टीम वर्ल्ड चैंपियन थी, किसी ने कोई नेगेटिव प्रोग्रामिंग आपकी की, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते। इसके अपोजिट आपने अपने आप को चार्ज किया, नो आई एम ग्रेट, आई एम जीनियस, आई एम हैप्पी, तो अपने बारे में जब पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपको पॉजिटिव तरीके से हेल्प करना स्टार्ट कर देते। इनमें दूसरा एक डिफरेंस है कि कॉन्शियस माइंड वर्ड्स की लैंग्वेज समझता है, शब्दों की भाषा, और सबकॉन्शियस माइंड इमेज की भाषा समझता है, पिक्चर्स की। आप देखेंगे हम बैठे बैठे कितने साल पुरानी भी कोई घटना याद करेंगे तो वो पिक्चर में याद आएगी, इमेजेस में। आपने कोई ट्रॉफी जीती है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वो घटना को याद करेंगे तो इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ इमेज। दूसरा क्या है कि जब भी हम सो जाते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, हमें ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं कई बार, तो सपने कौन लाता है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग भी है, न केवल इस जन्म की, अनेक जन्मों की, और हमारी सफलता के सारी संभावनाएं, हमको सफल करने की सारी संभावनाएं उसके अंदर है। किसी भी व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं चाहता कि ये असफल हो जाए, व्यक्ति नाकामयाब हो जाए। लेकिन जब हम जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, कुछ हमारे माइंड के एनिमीज हैं जो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। जितना आप कॉन्शियस माइंड को यूज करेंगे उतनी ही आत्मा की एनर्जी ड्रेन होती जाती है। उस माइंड से फिर एनर्जी जाती है ब्रेन के अंदर। जैसे हम हार्ट का ECG लेते हैं, है ना, पता करने के लिए भी इसकी क्या कंडीशन है, तो ब्रेन का क्या लेते हैं? EEG, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो इससे हम पता कर सकते हैं आपकी ब्रेन की फ्लक्चुएशंस क्या हैं। तो जनरली 4 फ्लक्चुएशंस होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। बीटा में जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, अल्फा में जब हम ध्यान में चले आते हैं, रिलैक्स होते हैं, बहुत लाइट, खुश रहते हैं, तो हम अल्फा लेवल में चले जाते हैं, और थीटा जब होता है तो हम वी स्टार्ट स्लीपिंग। अगर आपके संकल्पों की संख्या कम होती चली जाए तो आपको यही नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो वी कॉल इट एज डेल्टा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम सो के उठते हैं तो 5-10 मिनट वी रिमेन इन अल्फा लेवल।
अगर हम बात करना शुरू ना करें तो, बुद्धि का कोई भी काम करना शुरू ना करें तो हम अल्फा लेवल में रह सकते हैं, और उस समय हमारी जो कैपेसिटी है ब्रेन की थाउजेंड्स टाइम ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर आप उठते हैं, जनरली आजकल क्या टेंडेंसी होती है, वी विल स्विच ऑन टीवी, लैपटॉप, न्यूज़पेपर, मोबाइल, तो ये सब चीज़ें 5 to 10 मिनट्स नहीं करनी चाहिए। ये आपका अल्फा टाइम है, जब भी आप सो के उठते हैं, चाहे सुबह, दोपहर, शाम को, उस समय हमें क्या करना चाहिए, या तो मेडिटेशन या फिर विजुलाइजेशन, ये दोनों चीज़ ही बहुत पावरफुल। इसके बाद भी एक सुपर बीटा होती है, जब हम वाइसेस के बारे में सोचते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो उससे भी हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब हम उन वाइसेस को अपने कर्मणा में ले आते हैं तो वो फिर हाइपर बीटा हो जाता। आपने सुना होगा कि फलाना व्यक्ति हाइपर बीटा में था, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, डिप्रेशन में चले गए, तो ये तब होता है जब हम उन को क्रॉस कर दें अपनी कैपेसिटीज़ को। तो हमें कोशिश करके अल्फा लेवल का पूरा सदुपयोग करना है, और जैसे हमारे माइंड में थॉट्स होते हैं पॉजिटिव, प्योर एंड गुड थॉट्स, तो हमारे बॉडी के अंदर हैप्पीनेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वी कॉल इट एज एंडोर्फिन। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं किसी चीज़ की, तो हमारा काम क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर दे। इसीलिए अपने इवेंट से पहले हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा नेगेटिविटी में, या ज़्यादा उसका चिंतन करना, क्या होगा, कैसे होगा, जीतेंगे, हारेंगे, अगर मेडल नहीं मिला तो कई लोगों की उम्मीद होती है कि मेडल मिलने से ही उन्होंने जो इतना खर्चा किया है अभी तक ट्रेनिंग में वो रिकवर हो जाएगा, तो बहुत सारी थॉट्स माइंड में चलते रहते हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस लाने के लिए वी शुड टेक केयर ऑफ आवर थॉट्स, वो हमारे पॉजिटिव हों और कल्याण के लिए हों, देश के लिए हों और निस्वार्थ हों, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये चार्ट के अंदर पूरा एक लास्ट में इसमें ये देखा है कि REED, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड डाइट, ये तीनों भी होलिस्टिक फिटनेस, होलिस्टिक हेल्थ के लिए ये तीनों का बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी। अब आपका मैच है किसी दिन और रात को आप प्रॉपर सोए नहीं, चाहे कोई भी कारण हो, कुछ लोगों को नींद इसलिए नहीं आती कि वहाँ एनवायरनमेंट चेंज है, कहीं मॉस्किटोज हैं, कहीं आपस में जो कलीग्स हैं वो बात कर रहे हैं, रात को 1:30 बज गया बात करते जा रहे हैं, मॉर्निंग में 8 बजे मैच है, तो परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं, पड़ता है कि नहीं। तो रेस्ट का भी बहुत बहुत ध्यान रखना है। एक बार हमारी हॉकी टीम के कैप्टन का इंटरव्यू था कि हम इसलिए ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो मैच जीत नहीं पाए, क्योंकि हमारी टीम को पूरी रात भर नींद नहीं आई कि हम जो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ करते थे, आज एक ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए हम तरस रहे हैं, और जब सुबह मैच हुआ तो एक्चुअल में वो लोग हार गए। तो जब इंडिया में आने के बाद कैप्टन ने उसको मीडिया में बताया कि दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। फिर एक्सरसाइज हैं, उसमें फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज तो हम सीखते ही हैं, हमारे कोचेज हैं, हमारे NIS क्वालिफाइड कोचेज, लेकिन ये मेंटल एक्सरसाइज का भी बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे ट्रेनिंग कैंप्स में इंक्लूड करना। ये एक मिसिंग डायमेंशन है जो हमारे इंडियन स्पोर्ट्स है, जिसके लिए स्पोर्ट्स विंग ऑफ राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन पूरी मेहनत कर रहा है कि इसको भी इंक्लूड किया जाए माइंड पावर ट्रेनिंग को। हमारे बीच में अनेक कोचेज यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने लेवल पे, उनको साफ मना हो गया ऊपर से कि आपको ये ट्रेनिंग नहीं करानी है एथलीट्स को, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पे कराया और कराने के बाद उन्होंने परफॉर्मेंस दी उनके एथलीट्स ने। हमारे बीच में यहाँ स्केटिंग के भी अभी कोच आए हुए हैं, प्रवीण देशपांडे, तो उन्होंने खास ये ट्रेनिंग के लिए हमें पुणे बुलाया था, और उनसे आप पूछेंगे तो अभी आपको शेयर करेंगे कि हाउ द परफॉर्मेंस वॉज इम्प्रूव, कितने मेडल मिले, तो
आई कैन जस्ट कॉल हिम प्रवीण जी, जस्ट वन मिनट यू कैन से फ्यू लाइन्स हाउ द टीम चेंज्ड। ये माइक मिलेगा सुरेश भाई। तो जब हम वहाँ पुणे गए तो बिल्कुल मना हो गया कि ये सब नहीं करना है। तो आई डोंट नो हाउ ही गॉट द आइडिया। नहीं, हमें जैसे माउंट एवरेस्ट पे एक ट्रैकर ने बुलाया था, ऐसे ही आपने भी बुलाया, तो ही विल जस्ट से विद इन फ्यू लाइंस। ओम शांति। कई सालों से, 4 साल से मैं राजयोगा का प्रैक्टिस कर रहा था और हम लोगों ने इस चीज़ का राजयोगा एशियन चैम्पियनशिप के टाइम पे भी हमने एथलीट से करवाया, मैंने भी किया और उसके बाद हम लोगों को 10 साल के बाद में एशियन चैम्पियनशिप में एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज मेडल आया। काफ़ी टाइम से वो आ नहीं रहा था। इवन हमारी फेडरेशन और इस पॉलिसीज में बाहर से माइंड ट्रेनिंग और इस चीज़ के लिए नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी या थोड़ा अपोज था। फिर भी हमने जगबीर भाई को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पूना में बुलाया, कैंप में उनका पूरा विजुलाइजेशन ट्रेनिंग और सब कुछ करवाया और उसका फ़ायदा हमें एशियन चैम्पियनशिप में हुआ। तो 10 साल के बाद जो आइस ब्रेकिंग मेडल मिलना जो था एशियन चैम्पियनशिप में, वो मिला हमें सिल्वर और ब्रॉन्ज। थैंक्स। एक्चुअली आई एम नॉट, मैंने ये फील्ड को जब चुना तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इतना इफेक्ट पड़ जाएगा ये जो विजुलाइजेशन है, राजयोग का मेडिटेशन है। और जब ये बॉडी बिल्डिंग की, आप देखो एक महीने में हम क्या कर सकते हैं बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग कुछ कर सकता है एक महीने में? एक महीने के बाद यू आर विनिंग गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और रीज़न क्या था कि जैसे वो राजेंद्रन मनी ही वॉज गोइंग ऑन द स्टेज तो उनका नाम अनाउंस हुआ कि भाई आप आइए एंड यू कम फॉर द पोज ऑन द स्टेज। तो मैं जैसे ही बात करने लगा एंड ही गॉट अनॉयड, बोला सर मेरे से अभी बात नहीं कीजिए, मेरा भी नाम अनाउंस हो गया। तो प्रेमचंद डेगरा जी पीछे बैठे हुए थे, बोले भाई मैंने इनको इसीलिए बुलाया है, आप नर्वस नहीं हो, जस्ट रिलैक्स। तो फिर उन्होंने मेरे से बात करना स्टार्ट किया। तो मैंने कुछ ऐसे कैसे विजुलाइज करना है, आपको एक कॉन्शियस में जाना है कि आई एम ए वर्ल्ड चैम्पियन, मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए स्टेज पे आया हूँ और जो भी जजेस बैठे हैं पांचों, उनको यहाँ फोरहेड में 10-10 सेकंड आपको देखना है। तो पहले क्या थे वो उनसे जजेस से थोड़ा सा दे हैड फियर। तो जब उन्होंने ये किया ऊपर गए और एकदम रिलैक्स तरीके से तो पोज किया और करने के बाद वापस आ गए, तो थोड़ी देर बाद अनाउंस हुआ उनका नाम कि यू गॉट द गोल्ड मेडल। तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, बोला सर पहले वो कहते थे शो योर ट्राइसेप्स एंड आई एम शोइंग बाइसेप्स। तो देखो रिलैक्स, मेहनत बहुत की है, डाइट भी ली है, ट्रेनिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन एक लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के कारण, थोड़ा सा नर्वसनेस के कारण ही वॉज लूजिंग द मेडल। फॉर एग्जाम्पल सुशील कुमार जी ही वॉन द सिल्वर वंस। सो दैट टाइम लास्ट मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि राजयोग ट्रेनिंग केवल बच्चों को ही चाहिए, हम सब जूनियर्स जूनियर लेवल से स्टार्ट करें, ये लास्ट मूवमेंट में परफॉर्मेंस के टाइम में भी इसकी ज़रूरत होती है। तो इसको जो कंबाइन किया है मेडिटेशन और विजुलाइजेशन को, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लास्ट में है डी, डाइट। एज द फूड सो द मूड। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है न्यूट्रिशन के ऊपर लेक्चर दिया जाता है, उसमें भी ये बातें बताई जाती हैं कि अपने भोजन के ऊपर भी, जब भी हम भोजन करें तो ऐसा नहीं है कि भोजन भी कर रहे हैं उधर टीवी भी देख रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं। तो भोजन और भजन एकांत के होते हैं, ऐसे एक कहावत है हमारे पूर्वज कहते थे। तो कोशिश करके जब भी हम भोजन करें तो साइलेंस में करें और प्रिफरेबली सात्विक भोजन लेने से हमारी माइंड पावर ज़्यादा काम करती है, हमारे नेगेटिव वेस्ट थॉट्स नहीं आते। सुशील कुमार जी ही वन द गोल्ड मेडल एंड ही टुक सात्विक फूड। तो ये इसके ऊपर हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं डिस्कशन, बट स्टिल वी प्रमोट कि सात्विक भोजन में ज़्यादा पावर होती है इन कंपैरिजन टू अदर फूड्स। तो ये जो सुप्रीम सोल के बारे में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कॉर्पोरियल वर्ल्ड एंड इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड,
तो ही लिव्स इन द इनकॉर्पोरेटेड वर्ल्ड एंड विद अवर थर्ड आई. सोल को हम कहते हैं थर्ड आई. जैसे फिजिकल आई से हम लोग देख सकते हैं ब्लू स्काई तक, उसके बाद उस स्काई के बाद जो इनकॉर्पोरेटेड वर्ल्ड है वहाँ हम जा सकते हैं थर्ड आई से. और ये जो विजन्स क्रिएट होंगे, अभी आप दो तीन दिन के बाद जब लास्ट का दिन होगा मेडिटेशन का, तो यू विल हैव ए डिफरेंट फीलिंग व्हेन यू सिट इन साइलेंस. अभी तो थोड़ा सा जब आप बैठते होंगे तो माइंड इधर उधर जाता होगा ना. तो हम इसके द्वारा मेंटल फिटनेस को चेक करते हैं. जैसे अभी 30 सेकेंड के लिए हम साइलेंस में बैठेंगे तो चेक करेंगे कि हमारा माइंड यहीं है या कहीं बाहर गया हुआ है. जस्ट 30 सेकेंड्स. सो यू कैन कीप योर बोथ द फीट ऑन द टचिंग ऑन द फ्लोर, नॉट क्रॉसिंग योर लेग्स, एंड जस्ट रिलैक्स एंड फोकस योर माइंड फॉर जस्ट 30 सेकेंड्स. आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर. यू कैन जस्ट ओपन योर आइज, यू कैन क्लोज योर आइज इनिशियली, नो प्रॉब्लम, बट कीप योर माइंड हियर. स्लोली स्लोली कम बैक, वापस आ जाएं. एक सेकंड में माइंड कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है. पहुँच गया था ना, जिसका माइंड घर पहुँच गया था वो हाथ खड़ा करें. अभी हम हनुमान अखाड़े में गए थे तो वहाँ 125 रेसलर्स थे उस टाइम. तो ऐसे एक मिनट के लिए उनको साइलेंस किया तो 4 या 5 रेसलर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर मेरा माइंड यही था. बाकी मेजॉरिटी कोई फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं. सो ये है माइंड की जो पावर. अगर हम माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये हमारा मित्र बन जाता है. अगर माइंड हमें कंट्रोल कर ले तो ये हमारा शत्रु बन जाता है. तो इसमें जब हम पावर सोल और सुप्रीम सोल को कनेक्ट करते हैं तो देन वी गेट द एनर्जी. सारी वाइब्रेशंस, सारी स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे फोरहेड में पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, वहाँ बैठ करके वो सोल काम करती है और पूरे बॉडी के अंदर कनेक्ट होकर के टिश्यू सेल्स तक वो एनर्जी, जिसको हम ऑरा कहते हैं, सेल्फ की जो एनर्जी है वो पूरा चारों तरफ फैलती है. इसको बायोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं ऑरा को. हर व्यक्ति का ऑरा अलग अलग है. किसी का 5 फीट है, किसी का 10 फीट. हमारे पास ऐसी मशीनें भी हैं जिससे आप का ऑरा मेजर कर सकते हैं. कई लोगों का 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक भी होता है. तो वो मशीन फ्लक्चुएट करती है. जब उसको आपके सामने लेके जाएंगे तो जैसे ही वो ऑरा ख़त्म हो जाएगा तो वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती है. तो ऐसी मशीनें भी अभी अपने पास आई हैं. ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं माइंड के. माइंड को चाहिए नॉलेज. हम यहाँ जो भी डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ज्ञान, नॉलेज. नॉलेज ABCD, ये सबसे बड़ी नॉलेज. ए मतलब आत्मा, बी मतलब बाबा, सी मतलब कम्युनिकेशन कनेक्शन, एंड डी मतलब ड्रामा. ये इतना वंडरफुल ड्रामा है पूरा संसार. आप देख रहे हो ना, हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है. हमारा कुछ कंट्रोल है इसके ऊपर? बिल्कुल हूबहू रिपीट हो रहा है. तो ये ड्रामा की नॉलेज हमें यहाँ मिली और इस ड्रामा की नॉलेज से हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. कि ड्रामा का हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है. कई बार हम कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा हो जाए, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो नुकसान उसका होगा या हमारा होगा. जैसे आप दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे तो आपके हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होंगे या स्ट्रेस हार्मोन्स. बहुत सिंपल. बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, बच्चा साइकिल से गिर गया, आपने उसको 2 थप्पड़ और लगा दिए तो उसको कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, स्ट्रेस. हमें क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको एकदम रिएक्ट करें. जब भी हम साइलेंस में रहते हैं, अच्छे मूड में रहते हैं
तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, नहीं तो वो कॉन्शियस लेवल तक रहती है और कॉन्शियस रिएक्ट करता है बहुत तेज, तो हम उस टाइम को थोड़ा सा अवॉइड करें। देन द प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर, ये जो सेवन पावर्स हैं, ये सेवन सप्लीमेंट्स हैं जो बॉडी बिल्डर्स के साथ हमने किया, ये पावर्स को एक्सट्रैक्ट किया और उनके गेम के अंदर उसको यूज़ किया, शक्ति। तो जब ये छह शक्तियाँ आती हैं, सिक्स पावर्स, तो उसका सेवंथ रिजल्ट है वी गेट द पावर। ये अभी आपको हमारे जो सेशंस चल रहे हैं उसमें भी बताएंगे। ये कुछ एनिमीज भी हैं सोल के, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो। जब मोहम्मद आरिफ सर ने ट्रेनिंग स्टार्ट करवाया लाल बहादुर स्टेडियम में, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में, तो दैट वॉज माई स्टार्टिंग इन टू दिस माइंड पावर ट्रेनिंग। मोहम्मद आरिफ सर से मैं इतना प्रभावित हुआ, वहाँ सब ने मना कर दिया, भाई हमें ये ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ही सेड नो आई वांट दिस ट्रेनिंग। तो साइना नेहवाल तब छोटी सी थी, शायद आपने वो पिक्चर भी देखी थी। मैं बीच बीच में भी उन्होंने उनके ट्रेनिंग्स कराए, तो साइना की खुद की भी एक ये क्वेश्चन था कि भैया गुस्सा बहुत आता है देख करके और बहुत एंग्जाइटी हो जाती है। देन आई सेड यू स्टार्ट दिस, 5 to 10 minutes साइलेंस में रहो, मैच को विजुलाइज करो, और कोच के जब कहने से, हमारे कहने से कई बार इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोच कहते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे आरिफ सर, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है और मैंने प्रेरणा इनसे ली है स्टार्टिंग में, इसके बाद सनी थॉमस सर ने स्टार्ट किया, तो आपने उसको कैसे स्टार्ट करवाया एंड हाउ यू फेल्ट दिस ट्रेनिंग विल बी ए मिरेकल इन आवर बैडमिंटन, इंडियन बैडमिंटन, इफ़ यू कुड शेयर योर एक्सपीरियंस सर 1 minute, इट विल, आई विल बी सो प्लीज टू लिसन टू यू इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। यू हैव टू रिमूव शूज सर। सर ने गोपीचंद पुलेला को तैयार किया, और आप देखो हमारे यहाँ बताई जाती है कि सुप्रीम पावर, शिव बाबा, आत्मा, इन चीज़ों को मान करके उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, एंड देन ही विल टेल यू हाउ ही स्टार्टेड, हाउ ही गॉट दिस आइडिया। ओम शांति। ट्रेनिंग के बारे में डिटेल्स में तो बाद में होगी बात, लेकिन जैसे जगवीर भाई साहब ने कहा, मुझे हमेशा एक चीज़ का एहसास था कि माइंड जब तक किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इट्स अ मोस्ट पावरफुल थिंग द अल्माइटी हैज़ गिवन टू द ह्यूमन बीइंग्स, तो जब तक आपका माइंड इन्वॉल्व नहीं है, परफॉर्मेंस देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम लोग अपने अंदाज में कोचेस वी ट्राई बच्चों को किस तरह से हम मेंटली इन्वॉल्व करें, लेकिन जब जगबीर से भाई साहब वहाँ पर आए, उस वक्त जगबीर भाई साहब ने बहुत ठीक कहा कि साइना वॉज़ ए स्मॉल गर्ल एट दैट टाइम एंड शी वॉज़ कमिंग अप, और हमको ये उम्मीद थी कि उसका इन्वॉल्वमेंट अगर बहुत ज़्यादा, जिस तरह हम चाहते हैं कि मेंटली भी इन्वॉल्व हो जाए, तो उसका परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूर आएगा। तो जगबीर भाई साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई माइंड ट्रेनिंग मुझे देनी है, तो मैंने कहा इससे अच्छी बात ही नहीं है, इस वजह से कि हम अपने अंदाज में ट्रेनिंग, हर अंदाज की ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, फिजिकल भी मेंटल भी, लेकिन आप अगर माइंड की ट्रेनिंग अगर देंगे इसको, आई फर्मली बिलीव शी विल वेरी मच बेनिफिटेड, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि जगबीर भाई साहब के कुछ ही वर्ड्स ने उसको बहुत ज़्यादा उसको इन्वॉल्व किया, एंड आफ्टर दैट उसकी ट्रेनिंग में भी मुझे इफेक्ट मालूम होने लगा कि उसका इन्वॉल्वमेंट उसकी ट्रेनिंग में भी बढ़ने लगा। तो आई थिंक ही हैज़ डन ए वंडरफुल जॉब, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी दैट नॉट ओनली साइना बट मेनी ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम अवर कंट्री आर बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो कहते हैं ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी पावर है। हमारे क्रिकेटर्स कितने हमारे सेंटरों पे गए, बाबा के कमरे में बैठे, हमारी बहनों ने उनको तिलक लगाया, गिफ्ट दिए, स्लोगन्स दिए इंस्पायरिंग, तो उसको इतनी चार्जिंग उनको मिली। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले सचिन तेंदुलकर ने अपनी टीम के साथ अपना पूरा बैट एक साइन करके हमारे पास भेजा, हमने दादी जी को दिखाया 2 महीने पहले,
स्टेज के ऊपर वो पिक्चर मेरे ऑफिस में लगी हुई है, लेकिन वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो 2 महीने बाद हमको पूरा कॉन्फिडेंस हो गया 2011 का हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। आई वेंट टू द क्रिकेटर्स, किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पीछे से कोई गाली दे रहा है, विकेट कीपर डिस्टर्ब हो रहे हैं कि सर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, जस्ट हैव गुड विशेस एंड सी इज ए सोल, आई एम ऑल्सो सोल। सोल सब बराबर एक तरह की होती हैं, सबके अंदर परमात्मा ने इक्वल पावर्स दी हुई हैं, कोई कैसे यूज़ कर रहा है उसको, कई कैसे, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव, लेकिन पावर सबकी इक्वल हैं परमात्मा के द्वारा। अब हम उसको कैसे हम अपनी गेम के अंदर यूज़ करें और कैसे उस पावर को फोकस करके अपने प्रोफेशन में लगाएं, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। फिर कुछ अटैचमेंट हैं, कुछ प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है पेरेंट्स से, आप उनको भेजो कहीं कैंप के लिए वापस आ जाते हैं, तो इसको भी हमें ओवरकम करना होता है। फिर ईगो है ना, ईगो इज द किसी बात में थोड़ा सा भी ईगो हो जाएगा तो आपकी आपका मूड चेंज हो जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा, यू विल फील आई एम हर्ट। किसी ने कुछ बोल दिया, अरे ये कहाँ का चैंपियन है, कुछ नॉर्मल भी कमेंट कर दिया तो आपका मूड ऑफ हो गया, मूड ऑफ होने से आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ जाएगा। तो जब आप सोल कॉन्शियस का प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन ओवरकम योर ईगोइस्टिक नेचर, आप उसको सोल देखें और उसके प्रति सुभावना करके और उसको जस्ट पुट ए डॉट इनटू दैट सिचुएशन। फियर है ना, फियर एंड अटैचमेंट, कहते हैं कि अपने समय का अर्जुन नंबर 1 धनुर्धर था, पूरी दुनिया में कोई भी उस व्यक्ति को हिला मतलब हरा नहीं सकता था, लेकिन जब उनको श्री कृष्ण ने जब बताया कि भाई आपको ये युद्ध लड़ना है, तो उन्होंने कहा महाराज आप युद्ध की बात कर रहे हो, मैं तो ये गांडी उठाने के भी पावर नहीं है मेरे अंदर, तो क्या हो गया था, अटैचमेंट एंड फियर, तो 2 वीकनेस के कारण ही लॉस्ट ऑल हिज पावर ऑल हिज स्किल्स। लेकिन जब उनको नॉलेज दी गई, ज्ञान दिया गया, तो ज्ञान के बाद फिर से उनके अंदर पावर आ गई और उसी व्यक्ति ने पूरा बैटल जीत लिया महाभारत का। तो ये पावर्स और ये फियर्स हमें असफल भी कर सकती हैं, सफलता के लिए भी ले जा सकती हैं, तो इनके ऊपर हमें अटेंशन रखना है, बहुत ज़्यादा ग्रीड में भी नहीं जाना। कुछ प्लेयर्स हैं जीतने के बाद ऐसी मैच फिक्सिंग में चले गए, होता है कि नहीं, तो कैरियर फिनिश। तो ये जो ट्रेनिंग है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हम कराते हैं, ये केवल मेडल लेने का ही एक एम नहीं है, साथ के साथ आपको एक अच्छा इंसान बनाने का भी हमारा लक्ष्य है कि हमारे संस्कार अच्छे हों बच्चों में। अब कई पहलवान हैं, कोई बॉडी बिल्डर्स हैं, गेम छोड़ा पता चला वो तो बदमाशी कर रहे हैं इलाके में, तो गेम का मतलब ये नहीं है कि हम उसका अपनी पावर्स को दुरुपयोग करें। फिर लेजीनेस एंड लस्ट, दे आर ऑल एनिमीज ऑफ आवर सोल एंड वी शुड ओवरकम दैम थ्रू मेडिटेशन। ये कुछ पावर्स हैं जो राजयोगा हेल्प करता है हमें, सोल को चार्ज कर देता है, और जब ये पावर्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जब हमारा योग लगना स्टार्ट हो जाता है, उसमें अकोमोडेट करना, कोऑपरेट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, फेस करना सिचुएशन को, जज करना व्यक्ति को कि ये व्यक्ति कैसा है, फिर पैकअप करना, आपने काम किया अपने आप को समेट लिया जस्ट लाइक ए टॉर्टाइज, एंड टॉलरेट एंड विड्रॉ। तो ये पावर्स आपको जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो ये पावर्स आपके अंदर आनी स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो एनर्जीज का सीक्वेंस है, ये एक मैंने सीक्वेंस बनाया है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है सुप्रीम पावर्स, सेकंड एनर्जी आती है हमारी डाइटीज। आपने देखा होगा कि जब पहलवान लोग जाते हैं तो वो हनुमान जी को ज़्यादातर मानते हैं, हनुमान जी की पूजा करके और उनके अंदर इतनी पावर आ जाती, तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं इनके अंदर भी नेक्स्ट टू गॉड पावर्स हैं। देन हमारी सोल के अंदर भी एनर्जी है, फिर नेचर 5 एलिमेंट्स इनके अंदर एनर्जी है। आपका बहुत लो मूड है, आप एक अच्छे से गार्डन में चले जाओ या मान लो ट्रैकिंग के लिए चले जाओ तो हाउ यू फील, एकदम फ्रेश फील करते हैं ना, फुल मून है रात को आप बैठ गए या समुद्र के किनारे बैठ गए जस्ट साइलेंस में, तो उससे भी आपको चार्जिंग फील होती है।
सो दीज आर ऑल द वेज हाउ वी गेट पावर एंड डाइट. जो भी बच्चे अंडर न्यूट्रिशियस होते हैं, जिनको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं होती, तो उनके एनर्जी लेवल में और जिसकी न्यूट्रिशन अच्छी रही है, किसी पेरेंट्स ने मतलब उनका ध्यान रखा है, तो आगे चल के परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रहेगी, जिन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया है. नेचुरली आप 2000 कैलोरीज यूज़ कर रहे हो ट्रेनिंग में और कंज्यूम कर रहे हो 1500 कैलोरीज, तो आपकी डे बाई डे परफॉर्मेंस बढ़ेगी या घटेगी. तो हमें इसकी नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है. तो हमारे इसमें ट्रेनिंग में, 3 दिन की ट्रेनिंग में, माइंड पावर, मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टीम स्पिरिट, साइंस ऑफ मेडिटेशन, साइंस ऑफ सक्सेस, न्यूट्रिशन एंड डाइट, इनर गेम ऑफ लाइफ, तो ये सारी ट्रेनिंग उसके अंदर हम कराते हैं. फिर है एक्सरसाइज. जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका एनर्जी लेवल भी हायर पाया जाता है, चाहे वॉकिंग करो, ट्रैकिंग करो, चाहे किसी टूर्स पे जाओ. सो दे आर ऑल हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग अस एनर्जी. ये माइंड एंड कॉन्शियस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था. सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स बहुत सारी हैं जो हम विजुलाइजेशन के द्वारा एक्टिवेट करते हैं. उसके बाद ईईजी मैंने आपको पहले बताया, और ब्रेन रेस्पॉन्स में भी काफ़ी ऐसी रिसर्च हुई हैं कि एक बार एथलीट्स को क्या बोला कि आप चेयर पे बैठ जाओ और अपनी फिंगर्स को मूव करो, और उनका जब ईईजी लिया तो ये पाया गया कि 5-10 मिनट के बाद उनको बोला कि आप सोचो कि मैं अपनी फिंगर्स को मूव कर रहा हूँ. तो ब्रेन के अंदर जो रिकॉर्डिंग हो रही थी एक्टिविटीज़, वो काफ़ी सिमिलर थी. ऐसे अमेरिका के अंदर 3 ग्रुप बनाए बास्केटबॉल के. एक ग्रुप को, एक टीम को बोला कि आप फिजिकली प्रैक्टिस करेंगे बास्केट में डालने के लिए बॉल को. दूसरे ग्रुप को बताया कि आप ना तो फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे ना मेंटल ट्रेनिंग करेंगे. और तीसरे ग्रुप को बताया कि आप सिर्फ ग्राउंड में आकर के बैठेंगे और आप विजुलाइज करेंगे कि आप बास्केट के अंदर बॉल डाल रहे हैं. तो जब 1 महीने के बाद उनका टेस्ट किया गया, तो जिन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग की थी और मेंटल ट्रेनिंग की थी, उनका काफ़ी सिमिलर स्कोरिंग थी, और जिन्होंने दोनों में से कोई ट्रेनिंग नहीं की, उनका एकदम मिनिमम स्कोर था. तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ आवर ऑन आवर ब्रेन. तो ये ब्रेन के रेस्पॉन्सेज भी हमारे थॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. रशिया के अंदर भी मॉस्को ओलंपिक गेम्स में 4 ग्रुप बनाए थे, वहाँ भी ये रिसर्च हुई, और ये रिसर्च के ऊपर ही मुझे फिर ये संकल्प आया कि ये क्यों नहीं एक प्रोजेक्ट बनाया जाए. तो 2003 से हमने जितनी भी रिसर्च प्रोजेक्ट किया था राजयोगा का, तो वो मैंने योगा संस्कृतम, एक यूनिवर्सिटी है फ्लोरिडा की, एंड आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने मेरे सेशंस को सुना, कुछ क्वेश्चंस आंसर भी किए. 4 to 5 क्वेश्चंस वो क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, और आई एम वेरी हैप्पी दे एक्सेप्टेड द थीसिस, एंड फाइनली दे प्रोवाइडेड PhD इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फ्रॉम योगा संस्कृतम यूनिवर्सिटी. हमारे बीच में सर आए हुए हैं, चांसलर सर. ही इज़ फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम बैंगलोर, लेकिन अभी अमेरिका में रहते हैं. आई थिंक ही कैन से फ्यू वर्ड्स हाउ ही डिसाइडेड टू प्रोवाइड PhD, जिसके कारण आज हमारे राजयोगा की वैल्यू हुई है. अदरवाइज पीपल डोंट एक्सेप्ट कि भाई हम नहीं मानते कि भाई परमात्मा ऊपर है, हम नहीं मानते कि आत्मा अंदर है. देन ही गॉट कन्विंस्ड एंड ही सेड दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आपके पेपर को दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में भेजूंगा, एंड आई विल चैलेंज कि राजयोगा कैन डू मिरेकल्स इन आवर परफॉर्मेंस. सो जस्ट 1 मिनट सर, यू कैन, हाउ यू फेल्ट व्हेन आई गेव माय प्रेजेंटेशन, PhD प्रेजेंटेशन, डॉक्टर BVK शास्त्री. ओम शांति. डॉक्टर जगबीर सिंह, जब आपका प्रेजेंटेशन हुआ ये थीसिस का, वो तो एक कुरुक्षेत्र था जिसमें द एंशियंट विजडम ऑफ इंडिया योग एंड द मॉडर्न साइंस ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड द कोचिंग टेक्निक were discussed.
He presented various facts, what you have seen and all that. And one of the questions I asked him was, why are we not able to produce another Hanuman through any of our coaching techniques in this country? We are able to give a picture, a Hollywood movie like Harry Potter. We are able to produce a 600 crore movie from Hyderabad, Bahubali 2. But are we capable of producing another Dronacharya as a coach who trained the Pandavas and the Kauravas? Are we able to produce another Hanuman who can beat and overcome all the existing records? As on date, the way we understand yoga is a mixed thought. On one breath, we talk of the salvation, God and other things. On the other side, we talk of the physical performance, stress freedom, hormone releases, and all that. On another side, we speak of the healing. What is technically yoga? That's what your coaching was, your PhD thesis was about, how to coach. And that coaching part is custom training for a performance in a particular field. A boxing specialist needs a different kind of training. A tennis performer needs a different training. An archer needs a different kind of a training. And this discipline was called the Kreeda Yoga, the yoga for the sports excellence in the ancient traditions. And this key is given in Bhagavad Gita, where Raja Yoga comes as one of the teachings. So if you are able to understand Gita in the light of the modern requirements and customize it and put a vision before the coaches, what should you become as my, you know, the student in this one? You become a sports yogi, Kreeda Yogi, with the highest skills, which is put on this other side as Uch Khel Pradarshan, the highest skill in your chosen field. And that was the thesis what he presented. Thank you very much. काफ़ी लोगों को डाउट था कि हाउ यू विल प्रूव दैट वी कैन कनेक्ट विद द सुप्रीम, हाउ योर परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव, साइकोलॉजिस्ट विल नॉट एक्सेप्ट इट. सो सम हाउ इट वॉज एक्सेप्टेड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी, एंड दे हैव डिसाइडेड टू पब्लिश दिस पेपर ऑल ओवर द वर्ल्ड. And we will also learn more in the time to come. So that kind of test. I would like to say you one thing about this Dr. Emoto. आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुत रिसर्च की है कि लिक्विड के ऊपर हमारे थॉट्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है. तो हम जब भी कोई पानी पिए, सिंपल वाटर, वी कैन मेक इट एज ए एनर्जी ड्रिंक. एथलीट्स को एनर्जी ड्रिंक, सिंपल पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. रनिंग है, डिहाइड्रेशन को हमें ओवरकम करने के लिए वी शुड ऑलवेज चार्ज आवर वाटर. व्हेन वी होल्ड इट इन आवर हैंड, तो आप उनको संकल्प दें कि इसके अंदर एनर्जी आ रही है सुप्रीम से, और ये ड्रिंक पीने के बाद मेरे ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यूज़ सभी चार्ज्ड हो रहे हैं एंड आई एम गेटिंग फुली चार्ज्ड. फ्यू सेकेंड्स, आप कोई भी लिक्विड को जब पीते हैं तो उसको चार्ज करके पिए. आपको पता है ये वाटर क्यों सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है डिवाइन एनर्जी को? व्हाट इज़ द रीज़न? पांचों तत्वों में पानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है डिवाइन पावर एनर्जी को. यस, वेरी राइट. हमारे बॉडी के अंदर 3/4 से भी ज़्यादा पानी है, और पूरी दुनिया में भी 3/4 पानी है. तो इसका रीज़न है कि हम जो भी संकल्प करते हैं वो बहुत गहरे इस पर इफेक्ट डालते हैं.
तो जब भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक डैम था फ्यूजीवारा डैम इन जापान, तो वहाँ पे एक चीफ प्रिस्ट को इन्होंने बैठाया एक घंटे योग कर के लिए। तो जब पहले उन्होंने क्रिलियन फोटोग्राफी ली तो इट वाज वेरी डिस्टॉर्टेड, और जब योग करने के बाद कुछ जब प्रिस्ट ने वहाँ योग किया तो उस क्रिस्टल की फॉर्मेशन इट वाज टोटल सिमेट्रिकल एंड वेरी गुड लुकिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन। सो दैट शोड कि मेडिटेशन का कैसे लिक्विड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक के ऊपर लिख दिया एडोल्फ हिटलर, दूसरे के ऊपर लिखा मदर टेरेसा, तो उसके बाद भी उसके क्रिस्टल फॉर्मेशंस में देर वॉज चेंजेस। एंड इवन एक वर्ड लव एंड हेट लिखने से, जब ऑडियंस को कहा कि आप इसके ऊपर देखें, तो कुछ समय तक देखने के बाद तो ये पाया गया कि उनके एनर्जी लेवल वाटर के अंदर जो एब्जॉर्ब हुआ वो दैट वाज डिफरेंट। आप कहीं भी जाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, यू एक्सचेंज एनर्जी कहीं, तो इसीलिए हम जब भी कहीं से जाएं, जैसे कहीं बाहर किसी पब्लिक प्लेस में गए, वापस आने के बाद ऑलवेज यू शुड ट्राई टू मेडिटेट एंड देन रिलैक्स योरसेल्फ। हम खिलाड़ियों को बताते हैं आपने एक्सरसाइज की है, वर्कआउट किया है, जस्ट डू 5 to 10 मिनट शवासन, शवासन करते टाइम देन यू रिलैक्स एंड ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द हायर सेल्फ। सो आपको जो रिलैक्सेशन होगा 5 to 10 मिनट में, दैट विल बी अराउंड 2 आवर्स रेस्ट इन द नाइट, इतना फर्क पड़ जाता है। और जब हम ये राजयोगा करते हैं इवेंट के बाद, चाहे हम कोई भी फिजिकल वर्क करें, तो इतना रिलैक्सेशन आपको फील होता है, वो रिलैक्सेशन को हम ध्यान रखें कि इसका हमें पूरा फायदा उठाना है। फिर ये कि माइंड पावर को एक्टिवेट कैसे करें, तो वन इज जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उसमें मेंटल इमेजरी, वी कॉल इट एज विजुलाइजेशन, जिसके द्वारा हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है। फिर है मेंटल प्रैक्टिस, मेंटल प्रैक्टिस मीन्स ड्रिल, मेंटल ड्रिल। आप बैठे हैं, यू आर थिंकिंग दैट आई एम गोइंग अप, कनेक्टिंग विद द सुप्रीम, देन आफ्टर गेटिंग एनर्जी आई एम कमिंग बैक स्लोली स्लोली, एंड देन वो एनर्जी आप दूसरे लोगों को भी भेज सकते हैं, हीलिंग फॉर द अदर पीपल, डिस्टेंट हीलिंग। तो ये सारी एनर्जी की हीलिंग तब होती है जब हम सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करना सीख जाते हैं, और उसका रास्ता हम लोग यहाँ बताते हैं कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको फोकस अपने यहाँ करना है, फोकस करके फिर धीरे धीरे अपने मन को सूर्य चांद तारों के पार ले जाना है, वहाँ एनर्जी सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करके चार्ज करके फिर वापस आना है, और वापस आ करके फिर कोई भी गेम है, जैसे एक बार 100 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस थी साइन मुंबई में, तो नेशनल चैम्पियनशिप में मुझे सर्विसेज टीम की तरफ से भेजा गया, तो पहले मेरा गेम बॉक्सिंग था, तो काफ़ी मेडल लिए उसमें, 6-7 मेडल्स कॉन्टीन्यूस लिए थे एयरफोर्स में। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया कि साइकिलिंग टीम में कोई साइकिलिस्ट नहीं था, तो हमारे कमांडिंग अफसर ने कहा कि आप ऐसा करो कि ये साइकिलिंग में चले जाओ। तो ट्रेनिंग की रनवे पे, साइकिल से प्रैक्टिस की, तो वहाँ जाने के बाद जैसे ही क्लाइमेट भी थोड़ा डिफरेंट था, तो 25 किलोमीटर के बाद एकदम एग्जॉस्टन हो गया, मतलब ऐसा लगा कि अब आगे कुछ होगा ही नहीं, साइकिलिंग नहीं होगी। फिर मैंने इस साइंस को यूज़ किया कि आई एम एन एंजल, माई बॉडी इज़ मेड अप ऑफ लाइट, और माइंड को फोकस किया व्हील के ऊपर, और कॉन्टिन्यूस करते गए, और धीरे धीरे मेरा लिंक भी जुड़ना स्टार्ट हो गया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब 100 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस वो कंप्लीट हो गई थी इन द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। बॉक्सिंग में ऐसा एक बार हमने प्लान किया कि जस्ट विजुलाइज किया कि मैं बाउट के अंदर, रिंग के अंदर गया, और मैंने बहुत अच्छी बाउट खेली, और वो जो मूवमेंट्स होते हैं हमारे, पंचेस, लेफ्ट राइट अपर कट, तो ये सारी चीज़ें विजुलाइज किया कि मैं ऐसे गेम खेल रहा हूँ, और जैसे ही उस बाउट के अंदर गए, दैट पर्सन चैम्पियनशिप में, मतलब विद इन 1 मिनट ही वॉज नॉकड आउट बाई विजुलाइजेशन। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतनी पावर ऐसे इतना काम कर सकती है,
फिर हमने ये और गेम्स के अंदर स्टार्ट किया कि अब हम इंडिया के अंदर जितने भी गेम्स हैं सबके अंदर ये ट्रेनिंग, चाहे एक दिन, दो दिन, तीन दिन ये ट्रेनिंग कराएंगे। फिर मेंटल रिलैक्सेशन, बीच बीच में अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी। हम अगर ओवरलोडेड कर देते हैं अपने माइंड को विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको बनना हॉकी प्लेयर है, आप कभी फुटबॉल की बातें कर रहे हो, कभी क्रिकेट की बातें कर रहे हो, फिर कहीं पार्टियों में जा रहे हो, तो अपना टाइम और एनर्जी और संकल्प अगर हम अपने गोल पे सेट करेंगे, उसके ऊपर हम एनर्जी को लगाएंगे, तो हम सफल अवश्य होंगे। तो ये रिलैक्सेशन में हम उनको वो ट्रेनिंग भी कराते हैं। इमेजरी क्या है कि व्हेन यू आर यूजिंग इमेजिनेशन इन ए पॉजिटिव वे इज नोन एज विजुलाइजेशन और पॉजिटिव इमेजरी। तो ये मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा, आप जब एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे तो आई विल गिव यू कमेंट्री फॉर 3 मिनट। तो उसमें अपने माइंड को कनेक्ट भी करना है सुप्रीम के साथ, और फिर यहाँ से निकल के बाहर हम लोग वॉक करके और वापस इस हॉल के अंदर आएंगे। तो ये जो राजयोग है इसका डेफिनेशन इसमें दिया है एक्सरसाइज करने का, इट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी थ्रू कनेक्शन विद द सुप्रीम एनर्जी फॉर एन्जॉइंग एवर हेल्दी, एवर वेल्दी एंड एवर हैप्पी लाइफ। सो दिस राजयोग इज द एंशिएंट ऑफ ऑल टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, इसलिए राजयोग को सबसे ऊपर रखा गया है। दूसरा, राजयोग डज नॉट मेक यूज ऑफ बॉडी, इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। कोई भी व्यक्ति कैसा भी, बुजुर्ग भी, जवान भी, बच्चे भी, कोई भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल पॉस्चर की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स एंड चार्ज योर माइंड। एंड इट इज प्रैक्टिस्ड विद ओपन आईज, आप क्लोज आईज से प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्टिंग में इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन फोकसिंग योर माइंड, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुली आंखों के द्वारा करना है। आप मैच खेल रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस समय आपको जब मेडिटेशन करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो इफ यू आर क्लोजिंग योर आईज देन व्हाट विल हैपन। इसीलिए ये ओपन आई मेडिटेशन है कि चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद कर, जो गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, तो ये मन से परमात्मा को याद करना है। एंड नोबडी कैन चैलेंज कि देर इज नो सुप्रीम एनर्जी। अब मोहम्मद अली थे पहले, कैसियस के लिए कहते थे उनको, देन ही चेंज, ही बिकेम मोहम्मद अली। तो इट डजेंट मीन द गॉड विल ऑल्सो चेंज, गॉड तो सेम रहेंगे ना। कैसियस के लिए थे तब भी गॉड सेम थे, और मोहम्मद अली जब कहा तब भी गॉड सेम है, लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम है ये चेंज हो जाता है। तो इसको चार्ज करने के लिए नाउ आई विल गिव यू सम कॉमेंट्री एंड आई विल गिव यू मेडिटेशन एंड विजुलाइजेशन बोथ कम्बाइंड, लेकिन आपको ये सेपरेट सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यू विल योर फोर फिंगर एंड थंब, यू विल जस्ट कनेक्ट देम ध्यान मुद्रा, एंड यू विल वेरी अटेंटिवली यू विल सिट, नॉट क्रॉसिंग योर लेग्स, जस्ट कीपिंग बोथ द लेग्स एंड कीपिंग ऑल योर बुक्स, डायरीज साइड वाइज फाइल। And now I will give you 3 minutes, 3 to 5 minutes. And now you see how you are getting connected with the Supreme. So now get already, get set. So please keep your mobiles sideways. बहुत pictures आप ले सकते हैं, time मिलेगा. All set? Okay. Focus your mind on the self. अपने मन को अपने ऊपर एकाग्र करें। जितनी दुनिया बाहर देख रहे हैं इससे भी बड़ी दुनिया हमारे अंदर है, तो वो अंतर जगत की यात्रा के लिए अब हम चलेंगे। Scan the whole body from head to toe. विजुलाइज करें कि मेरा पूरा शरीर लाइट का बना हुआ है, वाइट लाइट, फरिश्ते के माफिक अपने आप को इमेजिन करें
कि मैं एक फरिश्ता बैठा हूँ इस सभा में, नाउ विजुलाइज ए डायमंड लाइक स्टार इन योर फोरहेड, नाउ आई एम लीविंग दिस बॉडी like a star, I am crossing the roof of this hall. Going up, crossing the sky, blue sky. धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते जाएं, भौतिक जगत से पार परम धाम की ओर. धीरे धीरे गहरे लाल रंग की दुनिया में प्रवेश कर जाएं. मैं आत्मा स्टार परम धाम में परम शक्ति के नीचे बैठ के ऐसा अनुभव करें कि परम शक्ति के नीचे मैं बैठा हुआ हूँ. परम पिता परमात्मा से एनर्जी फ्लो होकर के मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश होती जा रही है. जस्ट लाइक ए फाउंटेन, परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर प्रवेश कराएं. अभी परम धाम से ही अर्थ प्लैनेट को विजुलाइज करेंगे. ऊपर से देखें कि मेरा जहां फिजिकल बॉडी रखी हुई है, ब्रह्मांड में अनेक स्टार्स, उनको क्रॉस करके फोकस, सेंड योर एनर्जी फ्रॉम द सोल वर्ल्ड टू द अर्थ प्लैनेट. सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए ऊर्जा भेजें परम धाम से. जितनी भी दुखी, अशांत, परेशान, गरीब, मनुष्य आत्माएं, सबको परमात्मा की शक्ति मिले, सबका भला हो, सबके दुख दूर होते जाएं, सबके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त होते जाएं. अभी धीरे धीरे परमधाम से रिटर्न जर्नी करेंगे. परमधाम से विजुलाइज करें कि मैं टिमटिमाती मणि, दिव्य सितारा, नीचे की ओर आते जा रहा हूं और नीचे आते जाएं. तारामंडल को भी क्रॉस करते हुए पुनः पृथ्वी पर लौटेंगे. इस हॉल की छत को क्रॉस करके भ्रुकुटी के मध्य वापस आ जाएं. अभी हम सभी यहाँ से ग्रुप में, हमारा सूक्ष्म शरीर जो लाइट का शरीर है, जिसको फरिश्ता कहते हैं, वो यहाँ से निकल के बाहर एक लाइन में हम लोग नीचे निकलते जा रहे हैं सीढ़ी से. अर्ली मॉर्निंग का टाइम है.
बाहर हम वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, पूरी पांचों सेंसेस को यूज करें, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम, ज्ञान सरोवर के गेट से बाहर निकल के राइट टर्न करेंगे, थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग के लिए जाएंगे, फास्ट वॉकिंग करना स्टार्ट करें, पूरा पहाड़ी का एक राउंड लगाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी हरियाली, बड़े बड़े पेड़, वापस आकर के यहाँ का जो पार्क है उसके अंदर हम लोग सर्कल में खड़े होंगे, नाउ विजुलाइज सन इज ऑल्सो राइजिंग, फील द लाइट ऑन योर फेस, सनलाइट, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, हिप एक्सरसाइज, देन नी एंड टो एक्सरसाइज, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसके बाद फिर से एक लाइन बना करके धीरे धीरे हम हार्मनी हॉल में ऊपर की ओर आएंगे सीढ़ियों से, विजुलाइज यू आर क्लाइंबिंग द स्टेयर, ओपन द डोर ऑफ द हॉल और धीरे धीरे प्रवेश कर जाएं अपनी अपनी सीट पे, सभी अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, सो नाउ यू कैन ओपन योर आईज, यू कैन रब योर बुद्ध पाम, पुट इट ऑन योर आईज, फील द एनर्जी, थोड़ा अनुभव शेयर करेंगे किस कौन कौन थे जो रियली में वॉक करके आए, ऐसा फील किया जिन्होंने, ओ मोर देन 50%, सो दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक। अब हमें इस टेक्निक को जैसे हम वॉक करने गए तो अब हमें इसको अपने गेम के अंदर यूज करना है, आप अपने रूम में बैठे हैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, जस्ट विजुलाइज 3 to 5 टाइम्स कि आई एम गोइंग टू द ग्राउंड, ग्राउंड में जा करके बहुत अच्छे मूड में हूँ, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद देन आई एम कमिंग बैक। तो ऐसे पॉजिटिव इमेजरी हम जब करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए जब भी आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले पूरे दिन को विजुलाइज करें कि आप कैसे उठे, फिर उसके बाद कहाँ गए, तो आपको प्रैक्टिस करने में इजी रहेगा। फिर जब आप सुबह उठे पूरे दिन को एक बार विजुलाइज कर दें कि मुझे ये काम करने हैं आज पूरे दिन, तो सबकॉन्शियस माइंड को आप एक काम दे देते हो करने के लिए और वो उसमें लग जाता है क्योंकि आपने उसको गाइड कर दिया कि आपको ये करना है। आप अपनी लाइफ को विजुलाइज कर सकते हैं, बचपन से आप कैसे रहे, फिर कहाँ पढ़े, स्कूल में, कॉलेज में, फिर धीरे धीरे यहाँ आए, हो जाती है ना पूरी लाइफ विजुलाइज, वेरी इजी। ऐसे ही हम जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो पूरे साइकिल को, जो लगभग 5000 ईयर्स का साइकिल है, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार युगों को, इनको भी हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हाउ वी आर गेटिंग पावर इन दिस बर्थ एंड हाउ वी आर गेटिंग सक्सेस। तो ये विजुलाइजेशन बहुत इफेक्टिव है, इसको हमें अपने, इसका अभ्यास बढ़ाना है और अभ्यास बढ़ा करके इसको अपने प्रोफेशन में यूज़ करना है। तो ये कुछ मैंने टिप्स इसमें नोट किए हैं, डेली रूटीन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वॉइस। आजकल जनरली क्या होता है कि हम 1, 2, 3 बजे तक काम करते हैं, तो मॉर्निंग का जो प्रेसियस टाइम है वो हमसे मिस हो जाता है,
दैट इज कॉल्ड ब्रह्मूरत, अमृत वेला. तो उसको ठीक करने के लिए हमें 9 to 10 o'clock वी शुड गो टू स्लीप एंड वेक अप एट 2, 3, 4 वट एवर टाइम सूट्स यू. देन यू सी विद इन 2, 3 weeks आपका कितना ज़बरदस्त फोकस माइंड का और जो मन में इधर उधर के थॉट्स चलते हैं उनके ऊपर कैसे लगाम लगती है. फिर थोड़ा विजन होना चाहिए हमारी लाइफ का कि मुझे करना क्या है. यू कैन राइट योर गोल्स ऑन योर डायरी ऑन पेपर एंड पुट इट जहाँ पे भी आप बार बार देखते हैं वहाँ उसको हम लगा सकते हैं. और थोड़ा सा गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कोच चाहिए है ना, हमारे पेरेंट्स हैं हमें को ट्रेनिंग देते हैं संस्कारों की, फिर टीचर है वो हमें नॉलेज देते हैं इंटेलेक्ट को पावरफुल बनाने की, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए हम गुरु करते हैं है ना, और परमात्मा जो सद्गुरु है वो हमारे आत्मा और शरीर और मन सबको चार्ज कर देते हैं. तो इसमें ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया गोल लिखने ज़रूरी हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव व्यूज़ को कभी भी नहीं लाना है, उसको ख़त्म करने के लिए आत्मिक स्थिति रखनी है और आत्मा देखना है कि भाई ये भी आत्मा है, चाहे वो मेल है फीमेल है किसी भी धर्म का है किसी भी जाति का है, तो आपके मन में कभी भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट नहीं होगी. उससे क्या होगा कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप अपने कार्य में सफल हो जाएंगे. कभी भी कोई नेगेटिव बात आपसे करता भी है तो उसकी थोड़ी देर भले सुन करके उसको बताओ कि भाई इसके अंदर ये विशेषता भी तो है. आप एक विशेषता बता दो उस व्यक्ति की, नेक्स्ट टाइम वो कभी भी आपके साथ बुराई नहीं करेगा. लेकिन अगर हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे और सुनते जाएंगे तो क्या होगा, तो हमारा माइंड डस्टबिन बन जाएगा. तो हमें डस्टबिन नहीं बनाना है इसको. तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि नेगेटिव व्यूज़ ऑफ अदर्स, कोई भी कहता है कि नहीं तुम तो ऐसे नहीं कर सकते, तुम तो बड़े स्वार्थी हो, अंदर मन में हमें कहना है कैंसल, आई डोंट एग्री, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी. फिर ओपिनियन अबाउट चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, ये हमारी माइंड प्रोग्रामिंग का, जितने भी महान पुरुष हुए हैं चाहे शिवाजी हैं महाराणा प्रताप, जिन्होंने भी इतिहास में ऐसे काम किए हैं जो जिसके अंदर करेज चाहिए था, उनकी जो प्रोग्रामिंग थी उनके बचपन में ही उनकी मदर ने उनके फादर ने ऑलरेडी कर दी थी. तू तो शेर है, तुम तो ग्रेट हो, तुम तो महान हो. तो अगर हम बच्चों से कहें नहीं तू तो बहुत नालायक है, तू तो पैदा ही नहीं होता तो बहुत अच्छा था, तू तो मेरा नाम बदनाम करेगा आगे चल के, तो हम कैसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, नेगेटिव. तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो कैसे रिजल्ट देगा, नेगेटिव. तो कोचेस को प्लेयर्स के लिए बहुत ध्यान रखना है कि उनको डीमोटिवेट नहीं करना, उनकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग नहीं करनी. तो हमारे इसमें जो टूल्स हैं, मेडिटेशन हो गया, विजुलाइजेशन हो गया. आपका मान लो मेडिटेशन में योग भी नहीं लग रहा है, विजुलाइज भी नहीं कर पा रहे हो, तो देन वी हैव सम अफर्मेशंस जो बलराम भाई ने कराए थे ना, आई एम ग्रेट, आई कैन डू इट, तो ये चीज़ भी बहुत इफ़ेक्टिव है. अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है तो हमारे यहाँ अल्फा माइंड पावर म्यूज़िक है, कुछ सॉन्ग्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं काउंटर पे जो मिलते हैं, तो वो सॉन्ग आप सुनेंगे तो आपका बहुत एकदम मूड रिफ्रेश हो जाएगा, एकदम पावर आ जाएगी आपके अंदर. बाबा के गीत हैं. अगर मान लो आपको गीत सुनने का भी मन नहीं कर रहा है तो जस्ट बी इन साइलेंस. आप एक टाइम फिक्स कर दें कि भाई शाम को 7 से 7:30 बजे और मॉर्निंग में कोई टाइम कि मुझे आधा घंटा एकदम साइलेंस में रहना है, तो साइलेंस में रहने से आपकी कंसंट्रेशन पावर डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी. आप जो रोज़ फिक्स कर देंगे एक टाइम को, हम लोग यहाँ करते हैं 4 to 4:45, लेकिन मान लो आप वो टाइम नहीं कर सकते हो तो कोई और टाइम को सेट कर दें, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. तो कभी भी बच्चों के लिए ओपिनियन ना दें कि जो मेरा छोटा बेटा है ना ये बहुत स्मार्ट है, बड़ा एक्टिव है, और ये बड़ा है ना ये तो बिल्कुल बुद्धू है. तो ऐसा कंपैरिजन करने से दुनिया की कोई ट्रेनिंग उन बच्चों के लिए इफेक्टिव नहीं होगी. आपको उनको अप्रिशिएट करना है. तो ये मैं कुछ बताना चाहता था. सोशल मीडिया पे भी हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, माइंड एंड ब्रेन एक्टिवेशन हम लोगों ने कुछ बना रखा है कि माइंड पावर के कुछ टिप्स उसमें देते रहते हैं. एंड दिस इज़ द ग्रेट अचीवमेंट दिस ईयर, थैंक्स टू डॉक्टर बी वी के शास्त्री सर हु गेव मी दिस अवार्ड.
PhD. This is Om Shanti, thank you for your great participation. इसके अलावा अगर कोई एक दो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल एंड अवर सेशन एंड वी विल सिट इन मेडिटेशन फॉर 1 मिनट. हाँ जी. हाँ जी. नहीं है ये जो मॉर्निंग के सेशन है राजयोग. थैंक यू. राजयोग शिविर जो मॉर्निंग में हम कराते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि 7 o'clock का सेशन आपको मिस नहीं करना है. तो उसमें जब आप लास्ट में जाएंगे 9 तारीख को जो लास्ट सेशन होगा, तो स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करेंगे कि आपने देखा होगा सनलाइट से ऊर्जा मिलती है पूरे संसार को, मिलती है कि नहीं. तो हम ये कह सकते हैं कि सन सब जगह है पूरे संसार में, ऐसा कहते हैं क्या कि सूर्य हर जगह है, कण कण में है, ऐसा नहीं कहते हैं हम लोग. सूर्य की ऊर्जा, उसकी रोशनी सब जगह है, हर जगह पहुंच जाती है. ऐसे ही ज्ञान सूर्य हैं, ज्ञान सूर्य है, वो परमधाम निवासी हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है. और उनकी ऊर्जा जो भी जहाँ पे भी उनको याद करते हैं, वो उनकी ऊर्जा वहाँ पहुँच जाती है. तो दैट इज़ वाई वी से सर्वव्यापी नहीं है, वो परमधाम निवासी हैं. और परमधाम से अपना कार्य करने के लिए जब गीता में लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारते, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करके अपना कार्य करता हूँ. तो ये कार्य यहाँ चल रहा है. अब हमको इस ऊर्जा को अपने गेम के अंदर लगा करके आगे बढ़ना है और अपने फैमिली लाइफ को भी पीसफुल बनाना है, अपने संबंधों को मधुर बनाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है. ओम शांति. अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठे.